आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी बढ़िया, इनको अदौरी भी कहते हैं। ये मैंने आधा किलो मूंग की दाल भिगो दी है, मेरे पास छिलके वाली थी। अगर धुली है तो धुली दाल ज़्यादा अच्छी रहती है, पर छिलके वाली भी आप अच्छी तरीके से धो करके साफ करके बना सकते हैं। देखिएगा, इसके सारे छिलके उतार लीजिएगा और इसको धो करके एकदम अच्छी तरीके से पानी बिल्कुल निकाल दीजिएगा। बिना पानी के इसको पीसना है। और ये देखिएगा, इसके छिलके मैं निकाल रही हूँ दाल के बिल्कुल। ये देखिएगा, दाल को धो करके मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, सारे छिलके निकल गए। अगर थोड़ा दो चार छिलके रह भी जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी मिक्सी में लेकर इसको बिना पानी के पीसना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, बिना पानी के ही बिल्कुल इसको पीसिएगा। दाल के अंदर जो हल्का सा पानी है उसी के साथ ये पिस जाएगी। और ये देखिएगा, इतनी बढ़िया से ये पिस करके तैयार हो गई है। अगर आप दाल को गीला करेंगे तो बढ़िया लगाने में दिक्कत आ जाएगी। आप इस तरीके से करिएगा, बढ़िया बढ़िया आसानी से बनके तैयार होंगी। ये सारे मसाले अब मैं ले रही हूँ। देखिएगा, इसमें मैंने ये चिली फ्लेक्स ले लिया है। आप मिर्चियों को इस तरीके से कैंची की सहायता से छोटा छोटा काट लीजिएगा। चिली फ्लेक्स हैं तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने इसमें 3 टेबल स्पून लाल मिर्ची डाल दी है और 2 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाल दिया। सौंफ को हल्का सा मैंने भून लिया था। ये देखिए, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और साबुत काली मिर्च मैंने 1 चम्मच डाल दी है। 1 चम्मच जीरा डाल दीजिएगा। 4-6 लौंग डाल दीजिएगा, लौंग साबुत ही डालनी है। और इलायची भी हम डालेंगे। अभी हम हींग डाल रहे हैं, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। और इलायचियाँ जो मैंने ली थी, इनको छील करके इसके दाने निकाल लिए हैं। और ये मैं हरी इलायची के दाने डाल रही हूँ, बड़ी इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसके अंदर नहीं डालते, नमक डालने से बढ़िया ख़राब हो जाती है और आप इनको साल भर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ये मैं आधा किलो दाल की बढ़िया बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहते हैं तो इसका दाल का और मसालों का अनुपात बढ़ा दीजिएगा। मैं आपको 5 किलो दाल की बढ़िया बनाने का अनुपात भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप ज़्यादा मात्रा में बढ़िया बना सकते हैं। ये 1/2 किलो दाल मैंने ली है और इसकी बढ़िया मैं बना रही हूँ। ये मैंने दालचीनी के 4-5 टुकड़े ले लिए हैं तोड़ के, और अब इनको हम पीस करके पाउडर बना देंगे। ये देखिएगा, दालचीनी का पाउडर भी इसके अंदर मिक्स कर दे रहे हैं। ये बढ़िया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इनको आप मटर के साथ, निमोना में, आलू बड़ी की सब्ज़ी में डाल करके बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इनको खाली भी आप बना सकते हैं तल करके। गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी, जब सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी नहीं आती हैं उस समय आप इनको लौकी के साथ भी बना करके खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिएगा, इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको आप हाथ से फेंट दीजिएगा। इनमें हाथ से ही फेंटना पड़ता है, तभी ये बिल्कुल दाल एकदम से फिट करके अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है और इसमें पफिनेस आ जाती है। ये देखिएगा, इस तरीके से दाल को मैंने फेंट लिया है। और आप दाल को चेक करने के लिए इस तरीके से गोली बना करके डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने कटोरी में पानी लेकर के गोली डाली है। गोली ऊपर को देखिए उतरा गई है, इसका मतलब आपकी दाल परफेक्ट बन के तैयार हो गई। मसालों के साथ भी ये बड़ी जो है मैंने डाली है, ऊपर पानी में सतह पर आ गई, इसका मतलब ये बिल्कुल बढ़िया सी बढ़िया बन करके तैयार होंगी आपकी। इस तरीके से आप भी चेक कर लीजिएगा। आप दाल को पीस करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने मसाले डाल करके इसको चेक किया है, पर आप इसको बिना मसाले डाल के भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी दाल बिल्कुल परफेक्ट फिट करके तैयार हो गई है, आपको इसका पता चल जाएगा। ये देखिएगा, इस तरीके से इसको हम एक गोला बना करके और उंगली से एक हल्का सा इसके अंदर छेद कर लेंगे और फिर हाथ पे लेकर के हम इसको चपटा करेंगे।
इस तरीके से होल करने से, छेद कर देने से बड़ियाँ बहुत अच्छी अंदर तक सूख जाती हैं और क्रिस्पी बन करके तैयार होती हैं। ये देखिएगा, पहले आप सारे गोले बना लीजिएगा, फिर इनको इस तरीके से आकार दे दीजिएगा। ये देखिएगा, आप इसको हथेली पे रख के भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिएगा, हाथ की हथेली पे रख कर भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें हल्का सा आप इस तरीके से छेद कर दीजिएगा और देखिए कितनी बढ़िया सी परफेक्ट बड़ी बन करके तैयार हो गई। इसको अमृतसरी बढ़िया भी कहते हैं और कुम्हरहरी भी कहते हैं। आज मैंने इसमें पेठा नहीं डाला है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पेठे वाली बढ़िया ही बनाना सिखाऊंगी। एक किलो दाल के अंदर आधा किलो पेठा पीस करके आप डाल सकते हैं। ये देखिएगा, इसको अब हम धूप में रख दे रहे हैं और धूप में इसको आप दो दिन तक के लिए रखिएगा। इसको सारा दिन धूप में रखिएगा। देखिए मैंने सारा दिन धूप में रख करके इस तरीके से बढ़िया सुखा ली है। अभी बड़ियों में थोड़ी सी नमी बाकी है, आप इसको इस तरीके से पलट करके रख दीजिएगा रात भर और हल्का सा फैन जरूर चला दीजिएगा ताकि बड़ियों में हवा लगती रहेगी। ये देखिएगा, और अगले दिन आप फिर धूप में इनको पूरा टाइम के लिए रख दीजिएगा और ये देखिएगा इतनी बढ़िया से बढ़िया ये देखिए बन करके तैयार हो गए। कितनी अच्छी सी इनमें आवाज़ आ रही है बड़ियों के अंदर, देखिएगा इतनी बढ़िया क्रिस्पी। आप तोड़ के देखिएगा इतनी बढ़िया से बढ़िया बन करके तैयार हो गई। ये देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।